तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल एनिमल का ट्रेलर आया, देखा आपने किस तरीके का था, क्या उसमें ख़तरनाक सीन थे, ये सब दोस्तों देख के ना दिमाग वैसे ही आउट हो जाता है। लेकिन भाई, पब्लिक जो है इसको और आगे देखना चाहती है, इसका पूरा का पूरा वर्जन देखना चाहती है, यानी कि मूवी की बात कर रहा हूँ भाई। कल इन लोगों ने हैदराबाद में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी कि कल 5 बजे इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, वो भी लिमिटेड तरीके से। और अभी जाके आप देखेंगे बुक माई शो पे हैदराबाद के आप सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर जगह में ऑरेंज कलर दिखाई देगा। यहाँ तक के 1 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक के सब जगह में, चाहे टिकट्स महंगा वाला हो चाहे सस्ता वाला हो, लोगों ने फिल कर दिया है। मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई हमें टिकट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है यार, टिकट मिल जाती है, लेकिन बस ये आएगा अपना स्टार्टिंग में कर लो जब सब जगह ओपन हो जाएगी। 26 तारीख को यानी कि संडे वाले दिन इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है, और बताया जा रहा है दोस्तों के हैदराबाद में 5000 से ज़्यादा के टिकट्स अभी सोल्ड आउट हो चुके थे, जो कि ये कल रात की रिपोर्ट थी। एंड एनिमल लिमिटेड बुकिंग ओपन इन हैदराबाद टुडे 5 PM एंड द फिल्म हैज़ गोन इन अ रैम्पेज मोड इन नो टाइम, सेल्स ओवर 5000 टिकट्स इन जस्ट वन सिटी इन लेस देन 6 आवर्स, बॉक्स ऑफिस करने लोडिंग ऑन December 1। मतलब दोस्तों, यहाँ पे अभी फिलहाल तो मैं अभी और भी यानी कि कैनेडा एंड USA की एडवांस बुकिंग लेके आया हूँ, एंड वहाँ पे भी भाई ज़बरदस्त क्रेज़ चल रहा है एडवांस बुकिंग को लेके, क्योंकि जब से कल से यानी कि ट्रेलर आया, जब से लोगों ने जो है अपनी और ज़्यादा इंटरेस्ट जगाया है या फिर जागा है, देखते हैं, बात करते हैं इसकी। यहाँ पे USA दोस्तों, USA का Day 1 का यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि भाई Day 1 में जो लोकेशंस पे ये मूवी चलेगी, 194 लोकेशंस पे चलेगी, एंड शोज हैं भाई उस दिन 625 शोज चलेंगे, एंड ऑक्यूपेंसी जा रही है 3.71% की, एंड टोटल टिकट्स जो उस दिन अभी तक सोल्ड आउट हुए हैं 2672 टिकट सोल्ड आउट हुए, एंड जो कलेक्शन बनता है वो बनता है $36,915 का 1 दिसंबर का USA का। अब यहाँ पे कनाडा की बात करें तो भाई 30 नवंबर टोटल एडवांस बुकिंग सेल्स, थिएटर्स उस दिन चल रहे हैं कनाडा में 42, यानी कि थिएटर मतलब लोकेशंस 42, एंड जो ऑक्यूपेंसी जा रही है 9.6% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। टोटल टिकट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं इसके 897, एंड शोज़ हैं भाई 56, 42 लोकेशंस पे चल रही है डेली, 56 शोज़ हैं, एंड जो कलेक्शन जा रही है दोस्तों कनाडा डॉलर में $13,403। अब यहाँ पे USA प्रीमियर का भाई कलेक्शन आई है निकल के, जो उस दिन लोकेशंस पे ये मूवी चलेगी 243 लोकेशंस पे चलेगी, एंड उस दिन 502 शोज़ चलेंगे उस दिन। ऑक्यूपेंसी जा रही है 10.09%, टोटल टिकट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हुए 5502, एंड जो कलेक्शन जा रहा है US डॉलर का $92,750 का है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे एनिमल ने कल ट्रेलर आने के बाद में जो धमाल करा है वो काबिले तारीफ़ है, एंड देखने वाली बात यह है कि भाई ये मूवी Day 1 में कितना कलेक्शन कर जाएगी। देखो, बहुत से लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं भी कह रहा था, 200 करोड़ ये मूवी Day 1 की ओपनिंग ले सकती है। अब देखो, आज इसकी जो है प्रॉपर तरीके से यानी कि ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग निकल के आना जो है चाहिए, क्योंकि कल इसका जो ट्रेलर आया उसको, उस ट्रेलर को देखने के बाद में पब्लिक जो है एडवांस बुकिंग की तरफ दौड़ेगी, और जब दौड़ेगी तो करेगी, और जब करेगी तो नंबर्स निकल के आएंगे, तो नंबर्स जब आएंगे निकल के तो यहाँ पे मज़ा आने वाला है कि अब क्या धमाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना सबके मुंह बंद हो चुके हैं। जिस मूवी को सब लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, अपलू टपलू समझा जा रहा था उस हीरो को, उस जो है मूवी को, भाई वो मूवी क्या निकल के आई है, क्या उसने दे दिया है, एंड मूवी में अब क्या होने वाला है, 3.5 घंटे में आदमी अपने आप को क्या करेगा, बाल बाल नोचेगा या फिर क्या करेगा। देखो, ये तो मूवी में कहानी के ऊपर डिपेंड है, अगर कहानी इसकी अच्छी निकलती है ना तो मैं मानता हूँ भाई 3.5 या 4 घंटे भी आदमी रुक। मूवी का बस ये है कि इमोशनल लेवल पब्लिक को खींच के रखे, एंड इमोशन के बाद जो एक्शन निकल के आए ना, वो ऐसा आए कि पब्लिक खुद अपने मन में रख के चले कि अब यहाँ पे ये होने वाला है और वही हो जाए। भाई मैं लिटरली बोलता हूँ, पब्लिक दूसरा शो देखने के लिए भी तैयार होगी, यानी कि 3.5 घंटे अगर उसने उस मूवी के लिए लगा दिए ना, तो दूसरा शो भी वो देखने के लिए तैयार होगी। अगर वो पब्लिक को सिर्फ मज़ा आना चाहिए, उनको सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, मतलब वो कनेक्ट हो जाए। और संदीप रेड्डी वांगा की मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी हैं,
भाई आदमी कनेक्ट हो जाता है। कबीर सिंह को देखो ऐसा लगेगा कि कुछ हमारा ही काम चल रहा है, यानी कि हम ही ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ था या हम अपने आप को देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो बाप बेटे का यहाँ पे कोलैबोरेट आया है, ये चीज़ एक मुझे लगता है कि आई थिंक सो होता है, देखो हो जाता है कभी कभार ऐसा चीज़। तो इन लोगों ने उस चीज़ को किस तरीके से दिखाया है, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि साइको कहाँ था और किस हद तक जा सकता है, वो इस मूवी में दिखाया है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस मूवी को देख के सीख ना लो इस कैरेक्टर की, क्योंकि जो भी है लेकिन जा तो गलत रास्ते पे रहा है, जैसा भी जा रहा है गलत रास्ते पे जा रहा है। प्यार से मामले को निपटाओ एंड अपना चिल मारो। फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।